हेलो गाइज, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाइकर्स वर्ल्ड के एक न्यू यूट्यूब वीडियो में। और आज हम लोग फर्स्ट पर्सन व्यू से देखेंगे हेलमेट, क्योंकि आज कैमरामैन नहीं है अवेलेबल। अगर कैमरामैन आता है तो हम वापस मैं आगे आ जाऊंगा कैमरा के, बट तब तक फर्स्ट पर्सन व्यू से ही हम लोग हेलमेट्स को देखेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले SMK के मॉड्यूलर हेलमेट्स के बारे में जो अभी स्टॉक में आ चुके। इसमें आपको जो जो कलर्स अवेलेबल है उसके स्पेसिफिकेशन और जो जो मॉडल्स अवेलेबल है उनके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन मैं बताने वाला हूँ। तो ये सारे अभी स्टॉक में है मॉड्यूलर हेलमेट्स। बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट्स थे मॉड्यूलर हेलमेट के लिए, तो इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं जो स्टॉक में आ चुके हैं SMK के उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लाइड सीरीज के साथ। तो ग्लाइड सीरीज में टोटल 3 कलर्स अवेलेबल है, मैट ब्लैक, ग्लॉस ब्लैक और मैट फ्लोरोसेंट येलो ग्रे कलर। तो इसके साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट शेल मिल जाता है बाहर वाले साइड पे, अंदर वाले साइड पे आपको मल्टी लेयर EPS मिल जाता है। तो वापस एक बार आपको समझा देता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि बाहर वाले साइड जो आपको पॉलीकार्बोनेट शेल मिलता है, जब भी उस पर कुछ लोड गिरता है तो वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पॉलीकार्बोनेट शेल की वजह से, और जो एक्स्ट्रा लोड रहता है जो अंदर वाले साइड जाता है वो जो EPS मटेरियल रहता है उस पर आ जाता है, और वो ही EPS मटेरियल आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है आपके हेड को। तो इसलिए हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको हेलमेट लेना है तो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल वाला विद जिसमें EPS मटेरियल रहेगा अंदर वाले साइड, वो वाला ही प्रेफर कीजिए। तो अब सबसे पहले तो ये हो गया कि ये पॉलीकार्बोनेट शेल आपको इसमें मिल जाएगा और मल्टी डेंसिटी EPS भी मिल जाएगा इस पर। उसके अलावा इसमें आपको ECE सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा और ISI सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो ये ISI और ECE दोनों सर्टिफाइड है। तो फिर आपको इसमें सिंपल रैचेट सिस्टम मिल जाता है, क्विक रिलीज सिस्टम, सिंपल लॉक सिस्टम, क्योंकि मोस्टली आप जितने भी मॉड्यूलर हेलमेट्स देखोगे उसमें यही क्विक रिलीज सिस्टम ही आता है ईजी टू यूज के लिए। बाहर वाली साइड आपको ट्रांसपेरेंट वाइजर मिल जाता है विद एंटी फॉग, पिन लॉक 30 एंटी फॉग आ जाएगा इसमें। और ये मॉड्यूलर हेलमेट है, सो ये आप ओपन भी कर सकते हो और इसको हाफ फेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ओपन करने के लिए आपको ये वाली साइड पे एक बटन रहेगा, ये रेड वाला बटन है। तो ये रेड वाला बटन आपको यहाँ से सिर्फ ऐसे प्रेस कर देना है और ऊपर खींच लेना है, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अगर आप कहीं पे रुके हो, आपको पानी पीना है और हम लोग को बहुत टाइम रहता है कि ये नीचे ना गिर जाए, तो उसके लिए भी एक बटन दिया हुआ है साइड में। ये बटन को आपको ऊपर कर देना है, फिर ये यहाँ से नीचे नहीं आएगा। आप कितना भी ताकत लगा लो नीचे नहीं आएगा, ज़्यादा ताकत मत लगाना, टूटने का भी चांस है। तो हमेशा ये याद रखना कि अगर आपने ये बटन ऊपर किया है तो ये नीचे नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये बटन वापस ऐसे नीचे करके रखना पड़ेगा, फिर ही आप इसको इस तरीके से क्लोज कर सकते हो। एंड हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कोई भी अगर मॉड्यूलर हेलमेट लेते हैं तो ये आपको हमेशा एज अ फुल फेस ही यूज करना है। ये सिर्फ आप कभी कहीं पे रुके रहोगे, पानी पीना रहेगा या कुछ, तभी आपको सिर्फ ये ओपन करना है। वाइल्ड राइडिंग आपको ये ओपन करके नहीं चलाना है, क्योंकि यहाँ पे आपका चेन प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि इसको हमेशा आप बंद करके ही चलाइए एज अ फुल फेस हेलमेट। और वेट का अगर देखने जाए तो ये 1750 ग्राम है, यहाँ पे वेट लिखा हुआ है, मे बी आपको दिख भी जाएगा। तो ये 1750 ग्राम है। तो अगर कोई हेलमेट देख रहा है जिनको लाइट वेट चाहिए तो उनके लिए मॉड्यूलर हेलमेट प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हेवी आते हैं और जब भी आप इसको ऊपर रखोगे तो और हेवी लगेंगे ये आपको। तो अगर आप कोई भी मॉड्यूलर हेलमेट देख रहे हो तो आपको वेट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम मॉड्यूलर हेलमेट्स है वो हेवी आएंगे। सिर्फ LS2 और कोल्डा के हेलमेट्स है, जो हम लोग LS2 का ऑलरेडी हम लोगों ने एक वीडियो बना चुके हैं मॉड्यूलर हेलमेट का, और कोल्डा का भी बना देंगे, वो थोड़े से लाइट वेट है, ज़्यादा नहीं है। बट मॉड्यूलर हेलमेट अगर आप देख रहे हो तो आपको वेट इतना ही मिलेगा, 1500 टू 1700 ग्राम तक ही मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे अंदर वाले साइड में, आपको एक सन वाइजर मिल जाएगा इसमें जो ब्लैक स्मोक में आता है। तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बाहर वाले साइड है, तो यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। तो ये सन वाइजर ब्लैक स्मोक में आ जाएगा, और जितना भी पैडिंग्स है वो रिमूवेबल वॉशेबल है। ये पूरा एक ही सेट है, इसमें अलग अलग नहीं है, मतलब चीन के ऊपर वाले साइड हेड के ऐसे अलग अलग नहीं है, आपको पूरा एक ही इसमें मिल जाएगा। तो ये पैडिंग पूरा रिमूवेबल है और वॉशेबल है। उसके अलावा आपको इसमें अंदर वाले साइड ब्लूटूथ लगाने के लिए स्पीकर पॉकेट्स भी है। अंदर वाले साइड जो शेल पे है वहाँ पे स्पीकर पॉकेट्स दिए हुए, तो आपके पास कोई भी ब्रांड का ब्लूटूथ रहने दीजिए, इसमें इजीली फिट हो जाएगा ब्लूटूथ या इंटरकॉम कुछ भी। और अगर आपके पास SMK का भी ब्लूटूथ रहेगा तो आप इसमें फिट कर सकते हो, यहाँ पे अलग से एक स्लॉट दिया हुआ है ब्लूटूथ फिट करने के लिए, उसका मेन यूनिट।
या फिर अगर आपके पास दूसरे हेलमेट का दूसरे ब्रांड का रहेगा ब्लूटूथ जो जिसका यूनिट बाहर रहेगा ब्लूटूथ या इंटरकॉम, तो आपको पीछे वाले साइड यहाँ पे फिट करना होगा क्योंकि बाकी कहीं पे भी जगह नहीं है फिट करने के लिए, तो सिर्फ यही जगह है यहाँ पे आपको फिट करना होगा। और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो आपको चीन कर्टन मिलता है, छोटा चीन कर्टन है बट यहाँ पे आपको चीन कर्टन तो इसमें मिल जाता है, और यहाँ पे आपको विंड डिफ्लेक्टर मिल जाएगा ये वाला। तो ये हो गई स्पेसिफिकेशन के बारे में बात। अभी इसमें कलर देखते हैं, तो ये फर्स्ट कलर है ग्रे ब्लैक एंड फ्लोरोसेंट येलो, देन आपको ग्लॉस ब्लैक मिल जाएगा इसमें, पूरा ये ग्लॉस ब्लैक है, स्पेसिफिकेशन सबके सेम रहेंगे। और ये मैट ब्लैक कलर मिल जाएगा इसमें ही सेम, ये मैट ब्लैक वाला। तो टोटल इसमें आपको अभी ग्लाइड सीरीज में तीन कलर मिलेंगे। एंड फिर हम लोग बात करेंगे कलविंग सीरीज की, कलविंग के भी स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ शेल में थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किया हुआ है, तो उसको अभी देखना। विल टॉक अबाउट द कलविंग सीरीज। तो जैसे मैंने ग्लाइड का स्पेसिफिकेशन बताया था, आपको सब स्पेसिफिकेशन इसमें सेम ही मिल जाएंगे, बट द ओनली डिफरेंस इज द शेल। तो इसका जो शेल है वो थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू ग्लाइड। आपको एक ग्लाइड का भी दिखा देता हूँ, हम लोग साइड बाई साइड कंपेरिजन फिर कर पाएंगे। तो ये वाला जो है मेरे लेफ्ट हैंड में वो है ग्लाइड, और ये वाला जो है राइट हैंड में वो है कल्विंग। तो आप देख सकते हो स्लाइटली चेंजेस है, एयर वेंट का थोड़ा पोजीशन का चेंज किया है, मीन्स ऊपर वाले साइड आप देख सकते हो ये चेंज हो गया है, पीछे वाले साइड आप देख सकते हो पीछे वाले साइड का थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किया हुआ है, वाइजर लॉक मैकेनिज्म चेंज किया और एरोडायनामिकली थोड़ा इसको शार्प कर दिया है। तो यही बेसिक चेंजेस है इसमें, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो इसके भी आपको सब स्पेसिफिकेशन मैंने जैसे उसमें बताया था वही सब सेम मिल जाएंगे। ये भी 1750 ग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1750 ग्राम। इसमें भी आपको ISI सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और EC यूरोपियन सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। शेल वही सेम पॉलीकार्बोनेट शेल मिल जाएगा, और अंदर वाले साइड आपको मल्टी डेंसिटी EPS मिल जाएगा। उसके अलावा बाहर वाले साइड आपको क्लियर वाइजर मिल जाएगा विद पिनलॉक 30 एंटी फॉग शीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिनलॉक है और इसमें पिनलॉक 30 एंटी फॉग शीट आ जाता है। अंदर वाले साइड आपको ब्लैक स्मोक ड्यूअल वाइजर मिल जाएगा, इसका भी बटन यहाँ पे है, सेम उसमें था वैसा ही बटन है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हो इजीली। इसमें भी आपको चीन कर्टन मिल जाता है, बट जो चीन कर्टन का क्वालिटी है वो थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू ग्लाइड, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें भी आपको ये साइड में ड्यूअल वाइजर ऑपरेशनल बटन मिल जाएगा, पैडिंग्स रिमूवेबल है, वॉशेबल है, ये भी हेलमेट ब्लूटूथ कंपैटिबल ही है, इसमें भी आप कोई भी ब्लूटूथ या इंटरकॉम लगा सकते हो। इसका सिर्फ जो डिफरेंस है वो मैंने जैसे बोला था कि ये वाइजर लॉक मैकेनिज्म है, ये चेंज किया है इन्होंने, उसके अलावा बाकी सब सेम है। और एरोडायनामिकली थोड़ा सा शार्प है, और ये एयरवेंट का थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एयरवेंट यहाँ पे एक मिलेगा, यहाँ पे ये एक ऊपर वाले साइड एयरवेंट मिलेगा और उसका एग्जॉस्ट पीछे वाले साइड मिलेगा। तो इसमें भी हम तीन कलर टोटल मिल जाते हैं। तो ये फर्स्ट कलर है वाइट एंड ऑरेंज मैट में, देन सेकंड कलर जो है वो है ग्रे एंड फ्लोरोसेंट येलो, यूनिक कलर है। अगर आप कलर वाइज देख रहे हो तो इसमें आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलेंगे कलविंग सीरीज में एज कम्पेयर टू ग्लाइड। ग्लाइड में बेसिक वही कलर है, बट कलविंग में उन्होंने फ्रेश कलर और अच्छे कलर्स निकाले हुए, और ये मिलिट्री ग्रीन कलर है। तो इसमें भी आपको टोटल तीन कलर मिल जाएंगे, और साइजेस इसके स्टार्ट होते हैं मीडियम से लेके एक्सेल तक, जो हमारे पास अवेलेबल है वो है मीडियम से लेके एक्सेल तक। डबल एक्सेल में अभी तक कुछ आया नहीं है, मतलब ये बार के स्टॉक में आया नहीं है, बट जैसे ही आएगा हम लोग वेबसाइट पे भी अपडेट कर देंगे वो चीज़। तो फिलहाल आपको इसमें मीडियम से लेके एक्सेल तक दोनों में भी, ग्लाइड में भी और गल्विंग में भी, दोनों में आपको मीडियम से लेके एक्सेल तक साइजेस मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग प्राइस रिलेटेड बात कर लेते हैं। अगर आप प्लेन हेलमेट प्लेन कलर लेते हो, जैसे प्लेन ब्लैक हो गया, ये सब कलर लेते हो, तो इसका जो प्राइस है वो है 6150। वही अगर आप कलर वाला लेते हो, मतलब ग्राफिक वाला कोई भी लेते हो, तो इसका आपको प्राइस जाएगा 6450। तो ये डिफरेंस है, बाकी दोनों का भी प्राइस सेम है। आप ग्लाइड सीरीज भी लो या गल्विंग सीरीज लो, आपको प्राइस सेम ही मिलेगा, प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ कलर का चेंजेस है। अगर कलर में लेते हो तो 6450, और विदाउट कलर लेते हो तो 6150 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इसके एक्सेसरीज भी चाहिए रहेंगे, जैसे कि लॉक मैकेनिज्म हो गया, वाइजर हो गया, एंटी फॉग हो गया, पैडिंग हो गया, ये सब आपको चाहिए रहेगा गल्विंग या ग्लाइड का, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। गल्विंग के पैडिंग्स स्मॉल से लेके एक्सेल तक आपको मिल जाएंगे, अभी वाले स्टॉक में वो आ चुके हैं। इवन इसका वाइजर भी है अवेलेबल, लॉक मैकेनिज्म भी है अवेलेबल, सेम विद द ग्लाइड ऑल्सो। ग्लाइड के सिर्फ पैडिंग्स जो है वो आई गेस L, XL और M में ही अवेलेबल है, उसमें स्मॉल नहीं है।
तो यार दैट्स इट। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए रहेगा या और कुछ इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो bikersworld.in, या फिर आप डायरेक्टली हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पे भी आपके डाउट्स सब रिजॉल्व किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, लव यू ऑल, #GearUpYourRide।